गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स यूज्ड इन फूड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट, राइट। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड टाइप्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स, राइट। सो फूड सर्विस इक्विपमेंट मे बी डिफाइंड एज ऑल टूल्स, यूटेंसिल्स, क्रॉकरी एंड कटलरी नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन, कुकिंग, होल्डिंग और सर्विंग ऑफ फूड एंड वॉशिंग, राइट। So equipment should be designed, constructed and finished that it can be easily cleaned, disinfected, safely without any specific tools. So food service equipment जो है उसको किस तरह से define किया गया है। So जो tools है, ठीक है, जो भी generally food service equipment में use करते हैं, so tools, utensils, crockery, cutlery, ठीक है, generally जो necessary होती है preparation या फिर cooking, ठीक है, और जो स्टोरेज के लिए हम बोलेंगे, उसके साथ में सर्व करने के लिए फूड, ठीक है, और वॉश करने के लिए, इसके लिए जो भी इक्विपमेंट हमको लगते हैं, ठीक है, तो वो फूड सर्विस इक्विपमेंट जो है कहते हैं, ठीक। सो फूड सॉरी इक्विपमेंट शुड बी डिजाइन, कंस्ट्रक्टेड एंड फिनिश्ड दैट इट कैन बी इजिली क्लीन, डिसइंफेक्टेड, सेफली विदाउट एनी स्पेसिफिक टूल्स। सो उसके बाद में टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स, ठीक है। सो इक्विपमेंट्स मे बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर साइज। सो फर्स्ट प्लेट, राइट। सो प्लेट में अगर देखे प्लेट सॉरी यानी फोर जो फर्स्ट रहेगा, ठीक है, उसमें अगर देखे तो लार्ज इक्विपमेंट की पहले बात करेंगे, ठीक है। सो लार्ज इक्विपमेंट में अगर बात करें, ठीक है, तो उसमें भी एक लार्ज इक्विपमेंट, मैकेनिकल इक्विपमेंट एंड स्मॉल इक्विपमेंट, राइट, उस तरह से हम देखते। तो लार्ज इक्विपमेंट में अगर देखे तो फ्रीज वगैरह जो है रहता है, ठीक है, बॉइलिंग पैन्स रहेंगे, रेफ्रिजरेटर रहेगा, ठीक है, स्टीमर्स रहेंगे, नहीं, माइक्रोवेव ओवन रहेगा, राइट, जो है जो बड़े बड़े बीटर रहते हैं जहाँ पे बहुत सारा आटा जो है डाल के जो है, ठीक है, वो गूंथा जाता है, राइट, वो। सो तो उस तरह के जो है इक्विपमेंट जो है लार्ज इक्विपमेंट में आएंगे, स्टीमर्स रहेंगे, बॉइलिंग पैन्स और रेफ्रिजरेटर्स वगैरह एक्सेट्रा, राइट। उसके बाद में मैकेनिकल इक्विपमेंट जो है, ठीक है, उसमें पीलर्स आएंगे, ठीक है, मिक्सर्स आएंगे, उसके साथ में रेफ्रिजरेटर आएंगे, राइट। और जो स्मॉल इक्विपमेंट्स है जिसमें यूटेंसिल्स है, पॉट्स है, पैन्स है, बाउल्स है, स्पून्स है, राइट, वो। सो जनरली और उसके साथ में ये जो इक्विपमेंट है, ठीक है, तो इस तरह से लार्ज स्मॉल जो है इस तरह से उसको कैटेगराइज तो किया जाता है, उसके साथ में इसको दूसरी तरह से भी जो है कैटेगराइज किया जाता है, यानी बेस्ड अपॉन मोड ऑफ ऑपरेशन, राइट। सो बेस्ड ऑन मोड ऑफ ऑपरेशन तो देयर आर थ्री टाइप्स, नेमली फर्स्ट हैंड ऑपरेटेड, सेकंड सेमी ऑटोमेटिक एंड थर्ड फुल्ली ऑटोमेटिक, राइट। सो हैंड ऑपरेटेड में जनरली इट कंसिस्ट ऑफ मैकेनिकल पीसेस सच एज बीटर्स और विस्क and hand slicers which require greater effort to use than the semi automatic types, right? So hand operated में जो है सबसे ज्यादा जो है हम बोल सकते हैं कि effort की जरूरत होती है, right? अगर semi automatic type से अगर compare करें तो, right? Semi automatic में generally जो है या जो electrical energy जो है, ठीक है, उसकी requirement होती है, ठीक है, और जो है उसको बहुत केयरफुली मॉनिटर किया जाता है, राइट। सो इसमें मिक्सर्स आएंगे, इलेक्ट्रिक विस्क जो है, ठीक है, वो आएंगे, फ्रायर्स आएंगे, तो वो सेमी ऑटोमेटिक में आएगा, ठीक है, जिसको हम स्मॉल इक्विपमेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक। उसके बाद में फुल्ली ऑटोमेटिक, जैसे यहाँ पे जैसे मैंने हैंड ऑपरेटेड कहा है, ठीक है, तो वो इसमें भी आ सकते हैं स्मॉल इक्विपमेंट्स में भी, ठीक है, जैसे स्लाइसर वगैरह रहा, नहीं, वो तो सो सेमी ऑटोमेटिक में हमने देखा कि जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो वहां पे रिक्वायर होती है, नहीं, सो और वो जैसे मिक्स set to require time and temperature. So semi-automatic and fully automatic types are motorized and therefore require less attention and effort to operate. Whatever may be the method of classifying equipment, it is
important to remember that every food service establishment will have different needs in terms of size, workers and types of equipment required, right? तो यहाँ पे कहा गया है कि जो भी हम इक्विपमेंट क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बात ध्यान में रखेंगे कि जो फूड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट है वो किस प्रकार का, ठीक है, हो सकता है वहाँ पे एरिया जो है, किसी एस्टेब्लिशमेंट का एरिया जो है वो कम हो, ठीक है, पर्सोनल जो है वो कम वहाँ पे हो रहा है, ये फूड रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो वहाँ पे होगी, राइट। सो ये जो एक तो हम देखते हैं एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से जो है, ठीक है, जो उसके हिसाब से इक्विपमेंट का साइज, ठीक है, और क्या क्या वर्क के लिए हमको वहाँ पे इक्विपमेंट चाहिए, ठीक है, तो इस तक के ऊपर ही वो डिपेंड रहेगा। और इसके साथ में जो भी फूड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, सो उनकी डिफरेंट डिफरेंट नीड्स होती है, राइट। सो जैसे वर्कर हो गया, ठीक है, टाइप्स जो है इक्विपमेंट से वो हो गए, उस तरह से उसको क्लासिफाई किया जाएगा फिर। सो अ नंबर ऑफ मल्टी यूज इक्विपमेंट्स आर आल्सो अवेलेबल एंड यूज इन फूड प्रिपरेशन एंड सर्विस। सो बेस्ड ऑन द पर्पस द फूड्स इक्विपमेंट इज क्लासिफाइड एज गिवन बिलो, रिसीविंग एंड मेजरिंग इक्विपमेंट, राइट। सो पहला जो है तो यहाँ पे फूड सर्विस इक्विपमेंट को अभी थर्ड इसके हिसाब से जो है कैटेगराइज किया गया है बेस्ड ऑन पर्पस, ठीक है, सो बेस्ड ऑन द पर्पस जो है, ठीक है, उसके हिसाब से इसको कैटेगराइज किया गया है। सो पहला जो है रिसीविंग एंड मेजरिंग इक्विपमेंट, ठीक है, इसमें ट्रॉली आएंगी, ठीक है, वेइंग स्केल आएंगे, राइट। उसके बाद में स्टोरेज इक्विपमेंट जो है, ठीक है, तो यहाँ पे रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर जो है वो आएगा, शेल्व्स जो है, ठीक है, शेल्व्स जहाँ पे बॉटल्स वगैरह आप रखते हो वो आएंगे, रैक्स आएंगी, राइट, स्टोर इक्विपमेंट में, स्टोरेज इक्विपमेंट में। थर्ड जो है प्री प्रिपरेशन इक्विपमेंट, ठीक है, प्री प्रिपरेशन इक्विपमेंट में जनरली डो मेकिंग मशीन्स जो है, ठीक है, बड़े बड़े बीटर्स वगैरह रहते हैं, ठीक है, तो वो आएंगे, डो मेकिंग मशीन्स, ठीक है, मिक्सर या फिर ग्राइंडर जो है वो आएगा, ठीक है। जो फोर्थ है प्रोडक्शन इक्विपमेंट, ठीक है, तो जो स्टीमर्स है, राइट, बॉयलर्स है, ठीक है, तो वो वहाँ पे आएंगे प्रोडक्शन इक्विपमेंट में। होल्डिंग एंड सर्विंग इक्विपमेंट, ठीक है, होल्डिंग एंड सर्विंग इक्विपमेंट में जो है एक डिश आएंगे, हॉट केसेस आएंगे, ठीक है, और चैफिंग डिश आएगी, तो इस तरह से जो है होल्डिंग या फिर सर्विस इक्विपमेंट जो है, हॉट केसेस आएंगे जहाँ पे आप खाना जो है गर्म कर सकते हो, राइट। वॉशिंग इक्विपमेंट्स में जो है सिंक आएंगे, डिश वॉशर आएगा, ठीक है, गार्बेज इक्विपमेंट में जो है गार्बेज बीन्स जो है गार्बेज बीन्स वगैरह आएगा, ठीक है। जो सेकंड टाइप है फूड सर्विस इक्विपमेंट का, ठीक है, तो वहाँ पे जो है जनरली बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स जो है, यानी यूज के हिसाब से जो है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फूड सर्विस एरिया में इस तरह का यूज होगा, राइट, उसके हिसाब से जो है इक्विपमेंट जो है उसको क्लासिफाई किया जाता है, राइट। तो जैसे हमने देखा कि रिसीविंग एंड स्टोरेज में वेइंग स्केल आ गया, ट्रॉली आ गई, मेजरिंग कप्स आ गए, स्पून्स आ गए, ठीक है, मेजरिंग कप्स एंड स्पून जो है अगर फूड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट में है, अगर स्मॉल है, राइट, तो वहां पे मेजरिंग कप्स एंड स्पून्स का यूज करते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी आप देखोगे कंपनीज में मेजरिंग कप्स एंड स्पून्स का बहुत कम यूज होता है, ठीक है, जनरली, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो आप छोटे छोटे जो मेजरमेंट्स है वो कैरी नहीं कर सकते वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे वही मशीन की यूज होती है, ठीक है, सिर्फ फ्लेवरिंग्स के लिए वगैरह जो है, ठीक है, वो यूज होते होंगे, राइट, बस। उसके बाद में स्टोरेज रैक, कबर्ड्स, रैक्स, रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर, ये सारे रिसीविंग एंड स्टोरेज में आएंगे। प्रिपरेशन में डो मोल्डिंग मशीन हो गई, पीलिंग मशीन हो गई, बॉयलर जो है होता है टी के लिए, जनरली टी या कॉफी के लिए वो बॉयलर आ गए उसमें, राइट, मिक्सर आ गया, वेट ग्राइंडर आ गया, बीटर, ब्रेड स्लाइसर आ गया, राइट। उसके बाद कुकिंग जो है उसमें अगर हम देखें तो एक तो मॉड्यूलर गैस, राइट, और उसके बाद जो है रेंजेस जो है, ठीक है, यानी डिफरेंट डिफरेंट ओवंस जो है वो आएंगे, फ्रायर जो है वो आएंगे, सैलेड मेकर जो है वो, उसके साथ में जो राइस मिल्क या फिर इडली स्टीमर होता है, स्टीमर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो वो
आएगा कि बॉयलर आएंगे, डबल फ्रायर आएगा, तो ये सारे कुकिंग इक्विपमेंट्स हो गए, राइट। उसके बाद में होल्डिंग या सर्विंग वो होते हैं, ठीक है। आपने अगर देखा होगा कि जो कैटरिंग यूनिट रहता है, जो कैटरर रहते हैं, उनके सर्विंग जो बाउल्स रहते हैं वो बड़े बड़े पोस्ट रहते हैं, राइट, एक जैसे रहते हैं, बड़े बड़े रहते हैं, राइट। सो वो होल्डिंग बाउल्स उनको कहा जाता है, क्योंकि उसका उसमें का खाना जो है, ठीक है, एकदम से ठंडा नहीं होता, ठीक है, गर्म वहां पे रहता ही है खाना। उसको चैपिंग डिश बोला जाता है एक्चुअली। यानी आपने देखा होगा कि नीचे में जो है, ठीक है, कभी कभी एक बात आपने देखा होगा कि क्या कैंडल्स वगैरह जो है वो लगाई रहती है नीचे में, राइट, जो खाना है वो ऊपर का जो है गर्म रहे करके, नहीं, तो उसको चैपिंग डिश वगैरह वहां पे कहा जाता है। और उसके साथ में आपने जैसे रेस्टोरेंट पे, रेस्टोरेंट नहीं, जैसे कैफेटेरियाज हो गए या फिर बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट है जहाँ पे जो है जो प्रिपेयर फूड, जैसे फ्रेंच फ्राइज वगैरह, देखिए पॉट में रखे होते हैं और जो स्पून से उठाते हैं आपको जो सर्व करते हैं, ठीक है, वो आपको दिया जाता है प्लेट के ऊपर, नहीं सर्व करके, वो जो डिश होता है नीचे से वो गर्म रहता है और ऊपर का खाना भी उसकी वजह से गर्म रहता है, वो ब्रेन मैरी उसको कहा जाता है, राइट। ऐसे ब्लॉक्स बने रहते हैं एक टेबल के ऊपर और उसमें वो जो है बॉक्सेस जो है, ठीक है, एक ही साइज के जो है वहां पे रखे जाते हैं, ठीक है, ऐसे अंदर ऐसे रैक करके, और वहां पे जो है फिर जो फूड रहता है वो गर्म ही रहता है नीचे से, नीचे से वो हीट जो है वो ऊपर जो है वो आने लगती है, उसकी वजह से ऊपर का खाना वो गर्म रहता है। उसके साथ में फूड बल्क ट्रॉली, हॉट फूड सर्विस ट्रॉली, ट्रे सर्विस ट्रॉली, आइस बॉक्स, चैपिंग डिश, ठीक है, चैपिंग डिश यानी वही जो हम अगर शादियों में वगैरह देखते हैं, ठीक, वो। उसके बाद में वॉशिंग एंड गार्बेज डिस्पोजेबल डिस्पोजल, ठीक है, सो जैसे पॉट वॉशिंग यूनिट्स हो गया, मोबाइल सिंक विद ड्रेनेज पाइप, राइट, सिंक विद ड्रेन वॉल, डिश वॉशिंग मशीन, राइट, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स या फिर हॉस्पिटल्स रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे डिश वॉशिंग मशीन होती है, सिंक यूनिट, मोबाइल वर्क टेबल, ठीक है, मोबाइल वर्क यानी जो है मूव कर सकता है, ठीक है, टेबल वो मोबाइल, गार्बेज बिन्स, तो इस तरह की जो वॉशिंग एंड गार्बेज डिस्पोजल जो है वो यूज की जाती है। उसके साथ में सो जनरल पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल परचेसिंग इक्विपमेंट, अ थोरो नॉलेज ऑन द इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस टास्क एंड कैन बी परचेज बेस्ड ऑन फर्स्ट मेनू, प्राइस, फ्लेक्सिबिलिटी, पर्पस फॉर विच इट इज यूज्ड, टाइप ऑफ सर्विस ऑफर्ड, डिजाइन एंड अट्रैक्टिवनेस, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल फॉर रिप्लेसमेंट, ईज ऑफ मेंटेनेंस, safety and space availability, source of supply. So these basic factors help for smart selection of equipment. In simple words, selecting equipment should be based on capacity, good quality, simple design, ease of cleaning and budget availability. So the work areas are essential to perform various activities in food service operation. So, the equipment commonly needed for work areas determine the success of food service operation, right? So, यहाँ पे हम देख सकते कि receiving अगर unit है, वहाँ पे dry storage और refrigerated storage रहेगा, ठीक है? Dry storage में भी baking, meat preparation, vegetable preparation, और refrigerator storage में भी baking, meat preparation and vegetable preparation, ये सब units जो यानी equipments रहेंगे उसके। ठीक है, बेकिंग में हम देखे आगे, ठीक है, तो जैसे सर्विंग यूनिट है, सलाद प्रिपरेशन है, ठीक है, कुकिंग है, ठीक है, वो आएगा, डिश वॉशिंग आएगा, उसके साथ में डिश वॉशिंग के नीचे गार्बेज डिस्पोजेबल आएगा, गार्बेज डिस्पोजल जो है, ठीक है, उससे ही नीचे वॉशिंग है, ठीक है, सर्विंग के बाद डाइनिंग, ठीक है, इस तरह से वर्क एरिया जो है वहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस टाइप के इक्विपमेंट्स जो है फूड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, पहला जो क्लासिफिकेशन जो हमने देखा था, ठीक है, लार्ज इक्विपमेंट, मैकेनिकल इक्विपमेंट एंड स्मॉल इक्विपमेंट, ठीक है,
सो ये बेसिक थ्री कैटेगरीज जो है वो बताई थी। लार्ज इक्विपमेंट में जो भी स्टीमर बॉइलिंग पैन्स रेफ्रिजरेटर आएंगे, मैकेनिकल इक्विपमेंट में कीकर्स जो मिक्सर्स है रेफ्रिजरेटर्स है वो आएंगे, और स्मॉल इक्विपमेंट्स में यूटेंसिल्स पॉट्स पैन्स बाउल्स एंड स्पून्स आएंगे राइट। उसके बाद में मोड ऑफ ऑपरेशन ठीक है, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन किस तरह से आएगा। तो बेसिकली बेस्ड ऑन द मोड ऑफ ऑपरेशन देयर आर थ्री टाइप्स राइट। सो फर्स्ट इज हैंड ऑपरेटेड राइट, सेकंड इज सेमी ऑटोमेटिक राइट, थर्ड इज फुल्ली ऑटोमेटिक। सो हैंड ऑपरेटेड में जनरली जो भी मैकेनिकल पीसेस है ठीक है वो वहां पे इंक्लूड होंगे, जैसे कि बीटर्स है, विस्क है राइट, हैंड स्लाइसर्स है राइट, तो वो आएंगे। उसके बाद में सेमी ऑटोमेटिक में जो है तो से जहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है लगती है ये उस तरह के इक्विपमेंट जो है वो वहाँ पे यूज किए जाएंगे राइट। सो यहाँ पे मिक्सर्स है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक विस्क है, फ्रायर्स है, तो वो यहाँ पे यूज होंगे राइट। उसके बाद में जो थर्ड देखा था यहाँ पे फुल्ली ऑटोमेटिक ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स है ठीक है, जहाँ पे थर्मोस्टेट कंट्रोल जो है वो होता है ठीक है, और उसके साथ में टाइमर्स लगे हुए होते हैं ठीक है, यानी अपने हिसाब से कितनी रिक्वायरमेंट है टाइम की या फिर कितना टेम्परेचर हमको चाहिए उसके हिसाब से हम वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। सो सेमी ऑटोमेटिक एंड फुल्ली ऑटोमेटिक टाइप्स आर मोटराइज्ड एंड देयरफॉर रिक्वायर लेस अटेंशन एंड एफर्ट टू ऑपरेट। Whatever may be method classifying equipment, it is important to remember that every service establishment will be different in terms of size, works and types of equipment, right? उसके बाद में based on purpose of food, okay? Based on purpose of food service equipment, okay? तो ये एक classification दिखा था जहाँ पे receiving and measuring equipment, जहाँ पे trolley and weighing scale आता है। Second जो है storage equipment देखा था जहाँ पे refrigerator, freezer वगैरह आएंगे ठीक है, रैक्स शेल्फ्स वगैरह आएंगे। थर्ड में प्री प्रिपरेशन इक्विपमेंट जहाँ पे डो मेकिंग मशीन्स है, मिक्सर है, ग्राइंडर। प्रोडक्शन इक्विपमेंट में स्टीमर्स है, बॉयलर्स आएंगे। होल्डिंग एंड सर्विंग इक्विपमेंट्स है ठीक है, वहाँ पे चैफिंग डिश, हॉट केसेस वगैरह आएंगे। वॉशिंग इक्विपमेंट में चलते सिंक, डिश वॉशर आएगा ठीक है, और गार्बेज इक्विपमेंट में गार्बेज बिन्स वगैरह आएंगे यहाँ पे। तो ये हमने क्लासिफिकेशन वहाँ पे देखा था। सो जो मेन पॉइंट्स है जब भी हम इक्विपमेंट खरीदते हैं ठीक है, तो हमको एक थोरो नॉलेज जो है वो होना चाहिए इक्विपमेंट के बारे में ठीक है। जैसे तो इक्विपमेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए ठीक है, और उसके साथ में ठीक है जो कुछ भी इक्विपमेंट परचेस करेंगे ठीक है, वो किस बेसिस पे परचेस करने वाले हैं ठीक है। तो ऑब्वियस है पहले अगर प्लानिंग हम करेंगे ठीक है, प्राइस जो है मेनू के हिसाब से कौन से इक्विपमेंट्स लग रहे हैं, बेकिंग है तो बेकिंग के जो यूटेंसिल्स है वो लगेंगे राइट। सो थोरो नॉलेज ऑन इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस टास्क एंड कैन बी परचेस ऑन मेन्यू, प्राइस, फ्लेक्सिबिलिटी, purpose for which it is used, type of service offered, design and attractiveness, spare parts available for replacement, ease of maintenance, safety and space availability, source of supply, right? तो इसके ऊपर जो है जो equipment है ठीक है वो based रहेंगे। So तो ये हमने basic जो है जो basic factors जो है ठीक है, तो वो हम भी देखते हैं। तो ये इक्विपमेंट का यहाँ पे हो गया। उसके बाद में जो है सो किचन मैनेजमेंट ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। मैनेजिंग किचन एंड स्टोर रूम राइट, सो मैनेजिंग किचन एंड स्टोर रूम। सो तो जो भी एस्टा फूड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट है उसका जो भी किचन है ठीक है, तो वो बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो माना जाता है किसी भी एस्टेब्लिशमेंट का ठीक है। किचन को एक वन ऑफ द मेन इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो माना जाता है, किचन एंड स्टोरेज यूनिट ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं सिंगल हैंडेडली जो है वो डिसाइड जो है हम वहाँ पे कर सकते हैं कि जो भी सामान लाना हो राइट, वो
जो भी बोल सकते हैं कि जो भी किचन है, ठीक है, सो वो एक तो इनविटेबल पार्ट होता है, ठीक है, हमारे सर्विस एस्टेब्लिशमेंट का, ठीक है, विच सिंगल हैंडेडली डिसाइड्स द सक्सेस ऑफ योर एस्टेब्लिशमेंट. सो जो भी हम देखते हैं कि जो भी रेस्टोरेंट्स है या फिर जो अदर इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, तो उन्होंने अभी नई टेक्निक है, मॉडर्न टेक्निक है, ठीक है, वो अभी अप्लाई है. सो अभी हम देखते हैं कि जो किचन मैनेजमेंट है, ठीक है, सो इट इज नॉट सॉरी इट इज नो लॉन्गर अ हेडेक, राइट. सो अगर हम देखते हैं कि जब so the back of house operations of a food service establishment are always the busiest and the most hectic, basically the restaurant kitchens. So it is not an individual's everyday kitchen. In a restaurant kitchen, food is prepared on a large scale. Okay, in a restaurant ya fir hospital, okay, so jo food prepare hoga wo large scale mein hota hai, right. So तो यहाँ पे रेगुलर जो है एनालिसिस जो है, ठीक है, या फिर जो अच्छी कंडीशन है वो मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, ठीक. सो रेगुलर एनालिसिस जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो भी मेंटेनेंस है, ठीक है, वो भी वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है. सो तो यहाँ पे जो भी किचन होगा, ठीक है, फूड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट का, ठीक है, तो ये एवरीडे किचन नहीं कहलाता है. सो एवरीडे यानी हमारे घर पे जो है, ठीक है, हमारे घर पे जो रहता है, ठीक है, सो वो एवरीडे किचन नहीं कहलाता, ठीक है. सो ये जो किचन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे फूड जो है वो लार्ज स्केल पे बनता है, मल्टीपल बैचेस जो है सेम डिश के, ठीक है, वो वहाँ पे बनाए जाते हैं. एंटायर डे में जो है मल्टीपल बैचेस जो है फूड के वहां पे बनाए जाते हैं, ठीक है. पर हो सकता है यानी हॉस्पिटल का मेनू अलग होता है, रेस्टोरेंट का मेनू अलग होता है. रेस्टोरेंट में कोई भी चीज कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं, हॉस्पिटल में हम नहीं कर सकते, ठीक है. हॉस्पिटल में पर्टिकुलर एक जो है एक वे होता है, सवेरे ये खाना देना है, सॉरी ब्रेकफास्ट ये देना है, खाना ये देना है, दोपहर को ये खाना चाहिएगा, इस तरह से यानी प्लानिंग जो है डिफरेंट होती है रेस्टोरेंट या फिर हॉस्पिटल से, राइट. सो जो किचन स्टाफ है, ठीक है, सो वो हमेशा जो है, ठीक है, उस काम को जो है वो एंजॉय करने चाहिए, तभी तो जो हम जो भी मिल है जो कस्टमर को सर्व करेंगे, ठीक है, वो कस्टमर एंजॉय कर सके. इसलिए जो भी स्टाफ है, ठीक है, तो वो वहाँ पे जो है हमेशा रहने चाहिए. सो हम कह सकते हैं उनकी वजह से ही जो है ये कस्टमर जो है अच्छा खाना जो है वो चेरिश कर सकता है. सो जो हम बोलते हैं किचन रेस्टोरेंट है, अगर उसका इम्पोर्टेंस की अगर बात करें, ठीक है, तो किचन मैनेजमेंट बिकम्स एन इनएस्केपेबल टास्क, राइट. So therefore, how one must manage a restaurant kitchen effectively, a good food service kitchen effectively. Okay? So ये question एक सामने आ जाता है. So how to manage a kitchen, right? So जो भी food service establishment है, उसका kitchen किस तरह से manage करना? So a well-run food service establishment is like a winning baseball team. It makes the most of every crew member's talent and takes advantage of every split second opportunity to speed up service. Right? तो ये डेविड ऑगले रोहायर है उनकी डेफिनेशन थी. सो अ रेस्टोरेंट या फिर जो फूड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट है उनकी किचन जो होंगी, सो इट इज द पावर हाउस ऑफ एनी रेस्टोरेंट एस्टेब्लिशमेंट. Kitchen management is directly linked to restaurant's profitability, right? So first जो है inventory and stock management, right? So जो भी restaurant है, ठीक है, या फिर जो भी food service establishment है या फिर hospitals है, ठीक है, so वहाँ पे inventory list जो है, ठीक है, वो बहुत brief में जो है वो लिखनी पड़ती है, ठीक है.
ताकि आप बाहर जाके जो है मम्मी को जो यानी जो कुछ भी आपको लगता है, ठीक है, वहीं से आ सो तो बेसिकली जो हम देखते हैं किचन जो है, ठीक है, तुम्हारी इन्वेंटरी लिस्ट जो है, ठीक है, सो वो हम जब बनाते हैं, जब वो सर्विस बनाई जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, एक ब्रीफ जो वहाँ पे हमको मिल जाता है कि किस तरह से प्लानिंग करनी है, ठीक है, किस तरह से फूड बनाना है, कौन सा फूड बनाना है, क्या बनाना है, ठीक है, मेनू क्या है, राइट। सो बेसिकली जो भी रॉ मटेरियल होगा या फिर इंग्रेडिएंट होगा, ठीक है, उसका एक ब्रीफ हमको मिल जाता है, राइट। सो अ डिटेल्ड इन्वेंटरी लिस्ट हेल्प्स मैनेज फूड कॉस्ट व्हाइल मेकिंग श्योर दैट ओनली फ्रेश प्रोडक्ट्स आर यूज्ड इन द किचन, राइट। सो इन्वेंटरी मैनेजमेंट डिटेक्ट्स अ ह्यूज पार्ट ऑफ द किचन मैनेजमेंट सॉल्यूशन। लॉजिकली ग्रुप डिफरेंट फूड इंग्रेडिएंट्स सो दैट दे आर इजी टू स्पॉट एंड यूज, राइट। सो यहाँ पे जो डिफरेंट फूड्स इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है, अगर उसको ग्रुप में डिवाइड करें, जैसे ग्रेन्स है, स्पाइसेस है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, ठीक है, तो वो हम कैसे शेल्फ में जो है, ठीक है, वहाँ पे सेपरेट रख सकते हैं, जो हम किचन एंड स्टोरेज यूनिट की जब बात कर रहे हैं, ठीक है, उसका अगर इम्पोर्टेंस हम यहाँ पे बता रहे हैं, तो अगर उसको किस तरह से मैनेज करना है, ठीक है, तो पहले तो आप जो डिफरेंट फूड इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है, उसको ग्रुप में अगर आप डिवाइड कर सके तो वो बेटर होगा, ताकि जहाँ की चीज जो है उसी वहां पे आपको मिले, ठीक है, तो इस तरह से यानी जो सेपरेट शेल्फ जो है वो वहां पे होने चाहिए, ठीक है। सो अगर कंटेनर्स हो, जो अगर ड्राई इंग्रेडिएंट्स के इंग्रेडिएंट्स के लिए अगर कंटेनर्स हो, तो वो और भी वहां पे बेटर एक वे हो जाएगा, जो भी इंग्रेडिएंट्स उनको मैनेज करने के लिए, ठीक। सो ऑल द डेली प्रोडक्ट्स एंड फ्रोजन आइटम्स गो इनसाइड द रेफ्रिजरेटर्स, मेक श्योर ईच मेंबर ऑफ द किचन फॉलोज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल, राइट। सो इट्स अ वीकेंड, पीपल आर रशिंग इनटू योर रेस्टोरेंट्स और कैफेटेरियास और कॉफी कैफे डे, राइट। सो एवरीथिंग इज गोइंग वेल अंटिल यू रियलाइज यू हैव रन आउट ऑफ टोमेटोज, राइट। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो है अगर सपोज वीकेंड है, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी रेस्टोरेंट्स वगैरह है वहाँ पे बहुत रश होता है, ठीक है, पर्सन का, ठीक। तो अरे अभी तो वहां पे अगर ये मैनेजमेंट अगर रहा, और हमको पता रहा कि नहीं वीकेंड में सबसे ज्यादा लोग आते हैं, ठीक, तो एक ये आइडिया रहा, तो जैसे जो लिस्ट बनाने में, ठीक है, जो फूड इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है, तो वो लाने के लिए परचेस करने के लिए उतनी तो डिफिकल्टी नहीं होगी, पर अगर मैनेजमेंट ही ठीक नहीं रहा, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। सो जनरली अगर हम ध्यान दे कि जैसे कभी कभी कुछ इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है, तो वो जनरली बहुत सारे जो जैसे सॉसेस अगर ले लिया, ठीक है, तो वहां पे बहुत सारे मेजर इंग्रेडिएंट्स जो है, ठीक है, वो सॉस के लिए यूज वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। सो और जब भी हम देखते हैं कि जो जैसे केक वगैरह है, ठीक है, तो वहां पे हम यानी कभी-कभी जो हम देखते हैं कि वहां पे इंग्रेडिएंट जो है, अगर बेकिंग आउटलेट है, राइट, तो बेकिंग आउटलेट में बेकिंग के सारे सामान जो है वहां पे अगर हो, ठीक है, तो वो अच्छे से मैनेज वहां पे हो जाएगा, राइट। नहीं तो कभी इक्विपमेंट कम पड़ जाते हैं, नहीं तो कुछ अगर इंग्रेडिएंट्स अगर कम पड़ जाए, ठीक है, तो वो फेल्यूर होगा फूड सर्विस मैनेजमेंट का, राइट। सो उसके बाद में ऑलवेज कीप अ ट्रैक ऑफ किचन सप्लाईज, राइट। सो उस वजह से क्या होगा, जो फूड कॉस्ट है, ठीक है, वो भी सेव होगा, ठीक है, और जो किचन वेस्ट है, ठीक है, वो भी रिड्यूस होगा, राइट। सो उसके साथ में जो शीट्स है, ठीक है, वो वहां पे प्रिपेयर करना, ठीक है, यानी जहाँ पे काम जो है, वर्क जो है, वो ऑर्डरली वहां पे हो, ठीक, तो वो बहुत जरूरी है। जो मेनू मैनेजमेंट की अगर बात करें, ठीक
तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि जो मेन्यू है, ठीक है, सो मेन्यू शुड बी मेड बाय कीपिंग द फूड कॉस्ट इन माइंड, नॉट मेंशनिंग द प्राइसेस ऑफ डिशेस और डूइंग सो अल्फाबेटिकली rather than numerically are some of the many hacks that have worked, right? So यहाँ पे जब menu management करते हैं, okay? तो एक तो food cost जो है, ठीक है, उसका ध्यान रखना वो बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जो है सबके बजट में आना चाहिए, ठीक है, so उसका भी हर एक individual का हमको जो है वो ध्यान रखना पड़ता है, right? So तो यहाँ पे और उसके साथ में जो डिशेज है, ठीक है, जब आप मेनू कार्ड बनाते हो या शीट बनाते हो, राइट, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अगर रहे, ठीक है, ढूंढने में कैसी आसानी होती है, ना कि न्यूमेरिकल वे में, राइट, एक पहली डिश दूसरी डिश इस तरह से नहीं, राइट, ए से अगर स्टार्ट हो रही है, ठीक है, एप्पल मिल्क शेक, राइट, तो वो वहाँ पे आएगा, राइट, तो उस हिसाब से, ठीक है, नहीं तो जैसे शेक्स जो है वो एक ब्लॉक में रहेंगे, नहीं इस तरह से वो जो है जैसे एक ब्लॉक में शेक्स जो है, यानी एक तो फूड है और उसके टाइम जो है उसके हिसाब से जो है मेन्यू जो है अगर वहां पे लिस्ट आउट किया, ठीक है, तो वो भी यानी इफिशियंटली हम बोल सकते हैं कि यूज हो सकता है. So, अगर हम देखते हैं कि an elaborate menu with hundreds of dishes calls for a larger inventory and a higher chance of waste. Therefore, it's always better to have a menu that's more centric, having dishes that share common ingredients. This makes managing inventory slightly easier, right? So, menu should be made by keeping the food cost in mind. The first So, वहाँ पे जो है जो भी डिशेज है या फिर मेन्यू है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है जो भी प्राइस है वो मेंशन ही करना, ठीक है, और उसके साथ में एक तो अल्फाबेटिकली, ठीक है, ऑर्डर में रादर देन न्यूमेरिकली, ठीक है, सो आर दीज आर सम ऑफ द हैक्स, राइट, सो दैट हैव वर्क्ड. उसके बाद में जो सेकंड था, ठीक है, एन इलैबोरेटेड मेन्यू with hundreds of dishes calls for a larger inventory and a higher chance of waste. Therefore, it's always better to have a menu that's more simple, having dishes that share common ingredients. This makes managing inventory slightly easier. Right? And then our food service establishments point of sale system should be able to give customer a constructive report on manager or a staff a constructive report on the highest and lowest selling dishes. ये जो report है generally जो भी head chef होगा या फिर जो भी cook कर रहा होगा, ठीक है, so उनको generally वो ध्यान में रखना पड़ता है, जो भी menu है, ठीक है, वो वहाँ पे जो भी शेफ है उसके थ्रू जो है वो ध्यान में रखा जाएगा, जो रिपोर्ट है, ठीक है, वो शेफ ही वहाँ पे जो है डिस्कस करेगा, राइट, सो आफ्टर द डिशेस आर सेट एंड द प्राइसेस हैव बीन डिसाइडेड अपॉन गो अहेड एंड क्रिएट द इंग्रेडिएंट्स लिस्ट ऑफ ईच मेन्यू आइटम एंड देयर रिस्पेक्टिव प्रिपेयर टाइम, राइट, सो दिस गिव्स clarity to all the chefs and cook in restaurants kitchen. Okay, so इनको जो भी chef है या फिर जो cooks है उनको एक clarity वहाँ पे मिल जाती है, जो भी restaurant kitchen या फिर जो भी hospital kitchen या फिर अदर जो cafeterias वगैरह है, ठीक है, तो जो भी food service establishment में जो भी काम कर रहे थे उनके पास एक clarity आ जाती है. Okay, उसके बाद में designing the menu card. So a restaurant menu card अगर हम देखें कि रेस्टोरेंट मेनू कार्ड जो है, ठीक है, सो एक फर्स्ट टच पॉइंट रहता है कस्टमर का, ठीक है, तो वो बहुत वेल डिजाइन होना चाहिए, ठीक है, अमाउंट जो है वो बैलेंस में जो है लिखा जाना चाहिए ताकि वो अफोर्डेबल हो सके, राइट, सो ये रेस्टोरेंट की बात हो गई, ठीक है, सो प्रॉपर इक्विपमेंट जो है बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत लगती है कुछ सर्विस एस्टेब्लिशमेंट की,
है, जो इक्विपमेंट्स उसको मेंटेन करना, ठीक है, और जो है उसके साथ में जो स्टाफ है उसको उसको रोटेट करना, ठीक है, वो भी एक मेन जो है जो भी फूड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट में है, तो वहां पे मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट ये भी एक टास्क होता है कि स्टाफ जो है उसको रोटेट करना। सो दीज आर दी हमने देखे कि जो भी इक्विपमेंट्स है वो हमने देखे, और जो किचन है उसको मैनेज किस तरह से करना, जो है इक्विपमेंट्स का यूज करते हुए किस तरह से आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है, तो वो हमने थोड़ा ब्रीफ में देखा है, यहाँ पे डिटेल में नहीं दिया हुआ है। सो अगर हॉस्पिटल किचन की बात करें, ठीक है, सो तो पहले तो है किचन जो है वो क्लीन होना चाहिए, ठीक है, सो हाइजीन मेजर्स जो है, ठीक है, तो वो वहाँ पे होने चाहिए, ठीक है, सो जो भी आप हॉस्पिटल इसमें आप रिसीव कर रहे हो, राइट, सो जो भी हॉस्पिटल स्टोर जो है, जो भी चीजें जो है, जो आइटम्स है जो है रिसीव कर रहा है किचन में, ठीक है, तो वो हाइजीन मेजर्स जो है उसका ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, जो डिपार्टमेंट स्टोर है, ठीक है, सो वो जनरली क्वालिटी एंड क्वांटिटी जो है गुड्स की, ठीक है, तो वो वेरीफाई करता है, ठीक है, यानी एज पर परचेस रिक्वेस्ट रिक्विजिशन रिक्वेस्ट, ठीक है, उसके हिसाब से जो है गुड्स जो है रिसीव किए जाते हैं, supplies such as fresh vegetables, fruits, etc., banana, potato, and onions are preferably washed at receiving area. So hygiene measures at the receiving location of kitchen goods. So all items are received by hospital store and kitchen. The department store verifies the quantity and quality of goods received as per the purchase requisition. Request supplies such as fresh fruits and fresh vegetables, banana, potato, onions are preferably washed at the receiving area. Hygiene measures at the storage location of the food items. So, isme agar aayega, so the objective is to maintain good quality food at temperature and conditions to ensure retention of quality and safe conditions. Second, dairy products, fruits, dry items, pulses and wheat, etc., are stored separately. The food products in the store should be ventilated and temperature controlled. Where the appropriate temperature should be maintained. Storage of dry goods, right? So, one foot तक ऊँचे जो है वो shelves रहने चाहिए वहाँ पे main, ठीक है, यानी easily हम जो है जो food है, ठीक है, तो वहाँ पे एक स्टोर कर सकते, ठीक है, और जो है वो निकाल भी सकते, राइट। उसके साथ में जैसे हॉस्पिटल की बात करें, ठीक है, फ्रेश फ्रूट्स जो भी कुछ लगता है, वेजिटेबल्स और फ्रूट जो है वो हमेशा फ्रेश ही मंगाए जाते हैं, ठीक है, कभी कभी हम देखते हैं कि जैसे रेस्टोरेंट वगैरह है, ठीक है, दो तीन दिनों का जो वेजिटेबल्स है वो यूज करते हैं, पर हॉस्पिटल में वैसा नहीं होता, ठीक है, इन्वेंटरी जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अगर फ्रेश जो भी जैसे मिल्क है, ठीक है, और वेजिटेबल्स है या फिर फ्रूट्स है, वो हमेशा फ्रेश ही वहाँ पे यूज किया जाता है, क्योंकि कंसर्न होता है, ठीक है, पेशेंट होते हैं, राइट, तो वो कंसर्न के लिए जो है, ठीक है, हेल्थ इश्यूज के लिए जो है जो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वही मंगाए जाते हैं, या फिर जो जूसेस वगैरह है, ठीक है, जो फ्रेशली ही वो मंगाए जाते हैं, तो इस तरह की हाइजीनिक कंडीशन जो है, ठीक है, तो एक वहां पे मेंटेन की जाती है। एडिक्वेट सुटेबल क्लीनिंग इक्विपमेंट्स, ठीक है, आर अवेलेबल सच एज मॉप्स, बकेट्स, डिसइंफेक्टेंट्स, डिटर्जेंट, ब्रशेस, सो आर दिस
दीज आर द इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके बाद में डेक ब्रशेस, क्लीनिंग क्लॉथ्स, राइट, क्लीनिंग सप्लाइज आर स्टोर्ड सेपरेट फ्रॉम फूड आइटम्स, मॉप हेड्स आर चेंज एट लीस्ट वंस इन द 2 वीक्स आर एज पर नीड्स, चॉपिंग बोर्ड्स आर वॉश्ड आफ्टर ईच यूज एंड वंस वॉश्ड शुड बी अलाउड टू ड्राई इन एन एरिया वेयर द एयर सर्कुलेट्स फ्रीली, राइट। सो दीज आर द जनरल क्लीनिंग, देन क्लीनिंग ऑफ रेफ्रिजरेटर्स वीकली, so switch off the unit and remove all the foods, ensuring that these are covered in appropriate manner and are kept safe during the cleaning process, remove all shelves and clean in lukewarm water with detergent solution and mix, remove all shelves and clean in lukewarm water in case of upright refrigerator, remove mobile food trolley, clean the fridge base and wipe the interior walls of the detergent solution mixed with water, remove all condensation from drip trays if applicable and wipe down all walls of a clean floor, replace all shelves, switch on the unit. So these are the cleaning of refrigerator, ठीक है। So weekly perform किया जाता है। पर्सनल हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट है, हैंड वॉशिंग एंड जनरल सेफ्टी रूल्स जो है वो यूज होने चाहिए, हैंड वॉशिंग बिफोर बिगिनिंग ऑफ द वर्क, हैंड वॉशिंग आफ्टर ईच टॉयलेट यूज, हैंड वॉशिंग बिटवीन हैंडलिंग एंड कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड, हेयर कवरिंग आर वॉर्न ड्यूरिंग कुकिंग, प्री प्रोसेसिंग, फूड सर्विंग ट्रे लाइन ऑपरेशंस, signs are posted conspicuously within all areas of food beverage department directly personal to wash their hand appropriately, right? Pest control होना चाहिए, medical checkup जो है, ठीक है, और उसके साथ में जो है food handlers जो है उसकी health होना अच्छी होनी चाहिए, right? Then method of disposals of kitchen waste. So disposal of kitchen waste is very important. Otherwise, this becomes a prime source of fly, cockroach, and rat breeding, and their potential hazards. Kitchen waste is to be segregated into wet and dry. Where in the dry waste essentially consists of glass and in items. Wet items can be taken or composing, right? So इस तरह की जो है method of disposal of kitchen waste वो यहाँ पे use करने चाहिए, so तो यहाँ पे ही मैं stop कर रही हूँ, okay? तो next class में हम जो है 1 घंटे के बाद मिलते हैं, okay? So thank you all present रहने के लिए, thank you so much, thank you ma'am, thank you all.